तुम ये वीडियो डाल देती तो दामाद जी के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होनी थी। इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम्हें भी तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। नहीं आंटी, इतनी आसानी से ये सब जाने नहीं दूंगी मैं। वीडियो डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी, कहूंगी कि इस आदमी ने मुझे बहलाया फुसलाया और मेरा फायदा उठाया। तुम्हारी इमेज खराब करने के लिए एक पुलिस केस ही काफी है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीजे की सभी फोटोज और वीडियोस डिलीट करने के पहले मैंने अपने नंबर पे सेंड कर दिया था। अब हमारे पास पूरा वीडियो है जो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारे और जीजा जी के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था। तो सो सॉरी, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए बेटर होगा इनका पीछा छोड़ो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं, इतनी आसानी से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो किया इसने, उसकी सजा तो इसको मिलके ही रहेगी, और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को सजा मिलेगी। अरे अरे विनीता, विनीता दरवाजा खोलो, विनीता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो विनीता। नहीं बोलूंगी, अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं बचा, क्या करूंगी जी के, अभी इसी 32 घंटे में अपनी जान दे दूंगी। विनीता ऐसा मत करो, विनीता एक इंसान की वजह से तुम अपनी लाइफ खत्म नहीं कर सकती। विनीता अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अगर उन्हें पता चला तो उनपे क्या बीतेगी। विनीता मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दो, प्लीज दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अरे खोलो, प्लीज ओपन द डोर। जीजे आओ। विनीता जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लो प्लीज। दरवाजा खोलो विनीता। आराम से, आराम से। क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते मुझे। चलो विनीता चलो चलो। इना, कितनी वैल्यू है तुम्हारी लाइफ की। आई नो तुम्हें दुख पहुंचा है, पर जान ले लेना किसी भी बात का सलूशन नहीं होता, और गलती तुम्हारी नहीं जीजा जी की है। तुम खुद को सजा नहीं दे सकती, और तुम इनसे शादी इसलिए करना चाहती हो क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। तुम खुद इतने काबिल क्यों नहीं बनती। ऐसा कुछ नहीं है विनीता जो तुम नहीं कर सकती। चलो जीजा जी तुम्हें मिल भी गए, फिर उसके बाद क्या गारंटी है कि जैसे दीदी को धोखा दिया वो तुम्हें नहीं देंगे। जो इंसान एक बार ऐसी गलती कर सकता है, एक ही जिंदगी मिलती है, और तुम उसे इतनी आसानी से खत्म करने जा रही हो। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ विनीता, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तुम हमसे और दामाद जी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। आई एम सॉरी विनीता, और इस बार लड़का ढूंढने में ऐसी गलती मत करना। आप लोगों से नजर मिलाने की हिम्मत तो नहीं है मुझ में, क्योंकि मैंने आप लोगों का इतना दिल दुखाया, आप लोगों का भरोसा तोड़ा है, फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की।
थैंक यू सासू माँ, बचा लिया आपने। ये कोई ऐसी गलती नहीं है जो इतनी आसानी से अनदेखा किया जाए। मदद सिर्फ यही सोच के किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। नहीं नहीं कभी नहीं, नेवर, दोबारा नहीं होगा, कसम से, भगवान कसम। ठीक है, फिर अभी जाके दीदी को सब सच बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, अदिति को बताएंगे, वो मुझे सूली पे चढ़ा देगी। नहीं नहीं नहीं, उसको बताना ठीक नहीं है। सासू माँ प्लीज समझाइए ना इनको। श्रेया सही कह रही है, सच तो आपको बताना होगा अदिति को। अरे तू कितना चलाएगी मुझे, कोई रिक्शा विक्शा भी देख ले। हाँ बस आ गया। अच्छा सुनो, हम आपकी फ्रेंड के वहां ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, पहले ही बता रही हूँ। क्यों? अरे इतने दिनों बाद जा रही हूँ अपने पुराने दोस्त के, तुझे क्या जल्दी है इतनी निकलने की? तुझे कौन सी बड़ी मीटिंग में जाना है? अच्छा, अगर यही बात आपके पोतों ने कही होती ना तो कुछ नहीं कहती आप, क्योंकि उनका टाइम तो इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम तो फालतू है। अरे पर मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा सुनो दादी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ही को बता रही हूँ। अब बता जल्दी। मैंने ना चुपके से जॉब के लिए अप्लाई किया था। सच्ची? हाँ, और मेरी ना उसमें सिलेक्शन भी हो चुकी है, और 3 दिन बाद जॉइनिंग है। अरे वाह, अपना आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा। चाहिए? ओ अच्छा, वो मुझे तो पता ही नहीं था। अदिति, वो शिल्पा का हस्बैंड? अरे बहुत ख्याल रखता है उसका। और पता है ऐसे जो स्वीट से हस्बैंड होते हैं ना, इन्हीं के पीछे अफेयर चल रहे होते हैं, मैं बता रही हूँ तुझे। अच्छा सुनना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, है ना? हाँ चल बाय। हाँ बोलो अदिति। वो मुझे तुमको कुछ बताना था। हाँ बोलो। अरे बोलो, क्या हुआ, क्यों क्यों इतनी टेंशन है अदिति? अरे वो दामाद जी का IAS का रिजल्ट आने वाला है कल, उसी का टेंशन ले रहे हैं। ओहो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, और वो भी अभी से? अरे जब रिजल्ट आएगा तब लेना ना, और मुझे ना पूरा यकीन है, 3 साल से मेहनत कर रहे हो, देखना मम्मी इस बार ना इनका IAS जरूर क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो, और वैसे भी मुझे आपको ना कुछ बताना है। वो मम्मी आपने क्यों? श्रेया मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अदिति तेरी बात ना मैं बाद में सुनूंगी बेटा, आजा। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। पर मम्मी। अरे श्रेया बहुत जरूरी बात है। मेरी बात तो क्यों सुनेगी मम्मी, उन्हें तो बस अपने बेटे और बहू ही दिखती है। मम्मी मम्मी, जीजा जी दीदी को सब सच बताने वाले थे, आपने बात क्यों पलट दी? मैं बस ये देखना चाहती थी कि दामाद जी में अदिति को सच बताने की हिम्मत है या नहीं। जो दिख गया उन्हें अपने किए पे बहुत अफसोस है, वही बहुत है, अदिति को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो उनकी पत्नी है, उनका हक है सच जानने का। श्रेया जिद मत करो, बात संभल चुकी है, अब तो वो विनीता भी उनकी जिंदगी से जा चुकी है, और दामाद जी को अपने किए पे पछतावा है, तो बात को आगे क्यों बढ़ाना? और अगर अदिति को इस बारे में पता चला ना, पता नहीं वो क्या कर बैठेगी, कहीं वो दामाद जी को छोड़ ना दे। ये भी तो उन्हीं का फैसला होना चाहिए ना, कि सच जानने के बाद उन्हें जीजा जी को छोड़ना है या माफ करना है, और क्या पता वो माफी कर दे। तुम उसे नहीं जानती, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। अदिति उतनी समझदार नहीं है जितना तुम सोचती हो। घर गृहस्थी में बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं, उन्हें संभालना पड़ता है,
हर बात के लिए तलवार नहीं निकाली जाती। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब तुम मुझे जज बनाने में मत तुलो, मैं एक माँ हूँ और माँ के कानून अलग होते हैं। अच्छा और क्या होते हैं? सबकी गलतियों को ढकना, यही है ना हर माँ का एकमात्र कानून? परिवार के लिए ढकना पड़ता है, कभी कभी कुछ सच पति पत्नी के सामने ना आए तो ही उनके रिश्ते के लिए अच्छा होता है। नहीं मम्मी, सच छुपाना कभी सही नहीं हो सकता, और दीदी को सच पता चलना ही चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं जाके उन्हें सब सच बता दूंगी। मम्मी, पापा, अरे वैभव, अरे कहाँ हो सब लोग? पापा, दादी, मम्मी किधर है? एक गुड न्यूज देनी है। अरे वैभव, श्रेया, अदिति, जीजे, जल्दी बाहर आओ। अरे मम्मी। अरे क्या हुआ? मम्मी, सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दो। खुश रहो, पर बात क्या है? तेरे इस होनार बेटे की तरक्की हो गई है। मम्मी, मुझे प्रमोशन मिल गया है और मेरी सैलरी बढ़ गई है। सच? क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बहुत बड़ी खबर है ये तो। अरे गले मिलके दे पगले। रोहित की सक्सेस की खुशी में हमने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें इनके कुछ ऑफिस के एम्प्लॉय आएंगे एंड साथ में घर वाले भी होंगे। अम्मा, एक बाप को और क्या चाहिए? मेरे दोनों बेटे लाइन पे लग गए। एक एक नंबर का गधा था, अब उसकी प्रमोशन हो गई। दूसरा एक नंबर का आलसी था, वो कल से कुकिंग स्कूल जाएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए। अब पापा, अब मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ना जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा ना उसमें सिलेक्शन हो गया है। अरे, मेरी भी नौकरी लग गई है। वाह, क्या बात है, डबल खुशखबरी। बधाई हो दीदी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक बार सब चीजें कंफर्म हो जाती ना तो ही बताती, और वैसे भी कल इनका भी आईएएस का रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद मैं भी घर जाके जॉब ज्वाइन कर लूंगी। सही है? नहीं आदिति, तू ये जॉब नहीं करेगी। क्यों जॉब नहीं करूंगी? मुझे मिल गई है मम्मी। हाँ मिल गई होगी, पर तुझे करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो मम्मी, क्यों ना करूं मैं जॉब? क्योंकि जब तक दामाद जी यहाँ है, तेरा यहाँ उनके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। अरे इतने सालों से भी तो वो मेरे बिना रह ही रहे थे ना, तो अब क्या हो गया? और मम्मी वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। बहस मत करा दीदी, देख पति पत्नी का इतने समय तक एक दूसरे से अलग रहना सही नहीं है, और वैसे कम परेशानी नहीं हो रही है। क्या मतलब, क्या परेशानी हो गई? मतलब ये रात रात भर जाके पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो तुझे इनका साथ देना चाहिए ना। कल को ये आईएएस बन जाएंगे तो लाल बत्ती की गाड़ी में तो तुझे ही घुमाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी कि आप क्या बोल रही हैं। बस कोई ना कोई बहाना तो निकालना ही है आपको, ताकि मैं अपनी लाइफ में दो कदम आगे ना बढ़ सकूं। आप कुछ बोलेंगे? अरे दामाद जी क्या बोलेंगे, तेरा यहाँ उनके साथ रहना तुम दोनों के लिए सही है। वाह मम्मी वाह, शादी से पहले तो आपने मुझे कभी कुछ करने ही नहीं दिया, और आज के दिन जब मैंने हाथ पैर मार के मुझे कोई जॉब मिली है, वो भी मत करने दो। अब सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि आपको डर लगता है
कि कहीं मैं आपके इन दोनों बेटों से आगे ना बढ़ जाऊं। क्योंकि आपको इनके अलावा तो और कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे बहस नहीं करनी अदिति, जॉब तो फिर मिल जाएगी, तब कर लेना। अब ये समझ ले कि तेरा अभी यहां रहना ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ श्रेया, जागने का इरादा है क्या आज? श्रेया क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? नहीं वैभव, नथिंग इज ओके। दीदी के साथ सही नहीं हो रहा है। जीजा जी ने जो किया उसकी सजा दीदी को क्यों मिले? कितना मन है उनका जॉब करने का, और फाइनली उन्हें एक मौका भी मिला, लेकिन उन्हें तो मना किया जा रहा है। अब श्रेया बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर मम्मी ने बोला है ना तो कुछ सोच के ही बोला होगा। और सही है श्रेया, मतलब दीदी जॉब तो बाद में भी कर सकती है, पर अपने इस रिलेशनशिप को बचाने का मौका ना उन्हें बाद में नहीं मिलेगा। जीजा जी के साथ रहना, उन्हें लाइन पे लाना, ये इंपॉर्टेंट है श्रेया, और इसलिए मम्मी ने ऐसा कहा है। अच्छा, मतलब पति को लाइन पे लाने के लिए पत्नी को ही सैक्रिफाइस करना पड़े, बहुत बढ़िया। अरे कहाँ जा रही हो तुम श्रेया? दीदी को सब सच बताने। उनके साथ ना गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती। श्रेया प्लीज वैभव, तुम मुझे नहीं रोकोगे। अगर तुम्हें मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट है तो मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दोगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं रे मेरी बच्ची, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुझे को करती, बस दिखा नहीं पाती, ना समझा पाती हूँ कि मेरा हर फैसला सिर्फ तेरे भले के लिए। तू अपनी माँ से नाराज मत हुआ कर, माँ भले बेटों को ज्यादा टाइम देती है, चिंता बेटी की ज्यादा करती है कि उस पे कोई आंच ना आए। जब तू पैदा हुई थी ना तो अपनी नन्ही सी मुट्ठी में मेरी उंगली को कस के पकड़ लिया था तूने, जैसे बोल रही हो कि माँ कभी मेरा साथ ना छोड़ना। मैंने तभी वादा कर लिया था कि जब तक मैं हूं कुछ भी हो जाए मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी, भले भले तुझे मेरा फैसला गलत लगे, पर मैं वही करूंगी जो तेरे लिए सही हो। मुझे पता है तुझे आज बहुत बुरा लगा है, पर यकीन कर मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है।
चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, चंदनिया छुप जाना रे, लेके गोद में सुलाऊं